सबको जय यीशु। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कुछ लोग ईश्वर से, प्रभु यीशु से चमत्कार मांगते हैं, चिन्ह मांगते हैं। शायद हम भी कभी कभी उन लोगों जैसे हो जाते हैं। हम सोचते हैं अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी चमत्कार हो, कुछ भी चिन्ह हो, या ईश्वर मेरे जिंदगी में आए तो हम भी बदल जाएंगे। जरूर ईश्वर आपकी जिंदगी में आए तो जरूर बदलेंगे, मगर एक चीज याद रखना कि प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ हैं। जैसे हम परम प्रसाद ग्रहण करके उस चर्च से निकलते, वो प्रभु यीशु हमारे दिल में है और वो चमत्कार वो हर वक्त हर क्षण हमारे जिंदगी में होता है। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि हमारा सबसे बड़ी चमत्कार ये है कि मैं जिंदा हूं। इससे बड़ा चमत्कार क्या होना है, इससे बड़ा चिन्ह क्या होना है कि प्रभु ईश्वर आपके साथ है। तो सबसे बड़ी चमत्कार ये है कि मैं जिंदा हूं, और वो सबसे बड़ी चिन्ह है। इसलिए हम ये ना कहें कि मेरी जिंदगी में अगर कुछ चमत्कार हो तो मैं ईश्वर में विश्वास कर सकता है। नहीं, ईश्वर आपके साथ है, बस उसको देखना, उसको पहचानना वो हमें करना चाहिए। उसके लिए हमें आंखें खोलना चाहिए, विश्वास की आंखें खोलना चाहिए, जो ईश्वर हमारे साथ रहता है। आज की पहला पाठ में हम देखते हैं कि मिस्र देश से जब मूसा ने इस्राएल लोगों को बचा के चला रहा था, उन लोग बहुत खुश हो गए, मगर जब उनके सामने इतना बड़ा सा समुद्र आ गया, उन लोगों ने मूसा से गुस्सा करने लगे, इधर क्यों हमें मरने के लिए लाया गया। जो ईश्वर की योजना उन लोग नहीं पहचान पाया, जो ईश्वर ने उन्हें बचाया उसको उन लोगों ने देख नहीं पाया। जिस ईश्वर ने इतना बड़ा समुद्र को बनाया, उन लोग ये नहीं सोच सकता कि वो ईश्वर इस समुद्र को भी हटा सकते हैं। मगर मूसा उनसे कहते हैं, आप लोग डरो मत, क्योंकि मिस्रियों से आप लोगों के लिए ईश्वर युद्ध करेगा, ईश्वर लड़ेगा आप लोगों के लिए। और हम देखते हैं ईश्वर ने उस समुद्र को दो भाग में बांट कर उनको बचा देते हैं। जी हाँ, हमारे जिंदगी में प्रभु ईश्वर जब हमारे साथ होता है, वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। जो ईश्वर हमें अगर जीने के लिए श्वास दे सकता है, वो ईश्वर को पता है कि आपको बाकी सब चीजें क्या चाहिए। इसलिए हम अभी चमत्कार नहीं मांगे, चिन्ह ना मांगे, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा है। बस हमें विश्वास का आंखें खोलना है, और जो ईश्वर जो हमेशा हमारे साथ चलता है, उस ईश्वर से मिलना है, उससे बात करना है, उसके साथ रहना चाहिए, तो बाकी सब चीज़ें हमारे लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि वो ईश्वर हमेशा हमारे लिए दूसरों से लड़ेंगे, अपने शत्रुओं से लड़ेंगे। तो प्रभु ईश्वर की संरक्षण में सदा रहने के लिए हम प्रार्थना करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। जय ईश्वर।